फ्रेंड्स कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अपनी दीदी के यहाँ पे, क्योंकि दो दिन की थी छुट्टी, मतलब थी तो आज की ही संडे की, बट फिर मैंने सोचा चलो दो दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो कहीं आने जाने का टाइम मिलता नहीं है। तो दीदी कर रहे हैं अभी भाभी, दीदी पापा से बात तो मैंने सोचा चलो उसे आती हूँ। और अभी दीदी के बड़े वाले बेटे का बर्थडे भी था, दीदी यहाँ रहती है गवर्नमेंट कॉलोनी में, तो गवर्नमेंट का क्या ही हाल है ये तो आप समझ ही सकती हैं यहाँ देख के। यहाँ तो फिर भी ठीक है, बट यहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा दिवाली गुंडागर्दी हो रही है। मैंने सोचा मैं क्या गिफ्ट लेके जाऊँ बच्चे को, क्या गिफ्ट लेके जाऊँ। एक बार मैंने सोचा मैं रिस्ट वॉच लेके जाऊँगी, तो वो रिस्ट वॉच भी छोटी वाली बहन लेके आ गई। फिर मुझे बता रही है दीदी मैं वॉच लेके आई हूँ, कहा भाई साले मैंने सोचा था तू लेके आ गई। फिर मैंने कहा बच्चे से ये बताओ मैं क्या चाहिए आपको, तो कह रहा है मौसी मुझे बैट बॉल ले आना। ठीक है मैं बैट बॉल लाऊँगी। तो मैं बैट बॉल लेने गई, मैंने सोचा लेके आऊँगी। तो फिर पापा के फ्रेंड है, दीदी के ससुर के फ्रेंड, बहुत ही फ्रेंडली है वो, तो वो लेके आ गए चाचा चाची। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं कुछ लाई ही नहीं, जो मुझे लाना था सारे लोग लिए, उनका कोई नहीं, हमें बाद में बस वो कुछ दिला देंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने चाय पी ली है और अब मैं मिलाती हूँ आपको चाचा जी से। दीदी ये भी सो रही थी अभी तक, इसकी आईज भी भारी भारी सी हो रही है। सबसे छोटी सिस्टर वो बेनी को मतलब को हॉस्पिटल जाते हैं जल्दी जल्दी। ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, मेरी प्यारी दीदी, मेरी छोटी बहन है। ये भी छोटी है लेकिन बड़ी हो गई है, इसको मम्मी ने ज्यादा कॉम्प्लेन पिला दिया लगता है, इसने मेरे हिस्से का भी चुरा चुरा के पी लिया इसलिए बड़ी हो गई। और मेरे से भी बड़ी लगती है भाई ये। मैं ही छोटी रह गई हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, इसकी शादी हो जाए इसकी दुल्हा से जीजा बोलना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड का नाम लोगी। तो मैं भी लूंगी। ये टाइप का गेंद आया जी, अच्छा लगा। वो दीदी क्या लगा जो वही हमारे रमेश भैया ने लिया था, अच्छा एक नीले नीले फूल निकलते हैं। तुलसी देखो कितनी लगी है, तुलसी तो बहुत सारी लगी। अब की तुम तुलसी का एक काम करना ठीक, जैसे एक वो तुलसी लगी है ठीक बड़ी। इन लोगों ने सुबह सुबह मैच देख लिया और खेलना भी शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करने लग गए। ऑडियंस भी आ गई, हम लोगों की तो टिकट ही नहीं कटी, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ऑडियंस मिल गई देखने को।